हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावते रसोई में। आज हम बना रहे हैं खेकड़ा भजी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। देखिए, इसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैंने। 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इस तरह से स्लाइस में पतला मोटा इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। ये बेसन लिया है मैंने 6 टेबलस्पून। ये राइस फ्लोर लिया है मैंने 2 टेबलस्पून भर के। अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर आटा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आरारोट का भी आटा यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने धनिया लिया है चॉप करके 1 टेबलस्पून भर के लिया है। ये धनिया साबित धनिया और जीरा साबित मैंने दो टीस्पून लिया था और उसको ऐसे दरदरा सा मिक्सी में घुमा के लिया है। ये देखिए, इससे दरदरा सा रखना है, बारीक नहीं करना है। 1 टीस्पून मैंने हरी मिर्च को ऐसे ही कूट के लिया है, उसको बारीक पीस के नहीं लिया है। 1 टीस्पून भर के लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है अपने स्वादानुसार। और ये हल्दी लिए मैंने 1/2 टीस्पून। अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। पहले हम प्याज को नमक हल्दी लगाएंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद सारे मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने प्याज को इसमें ऐड कर दिया है। और ये जो लिया है हमने दरदरा सा कूटा हुआ हरी मिर्च, धनिया, जीरा और हल्दी, नमक, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, इसको हमें अच्छे से ये करना है, क्रश करना है ताकि प्याज अपना पानी छोड़े। ज़्यादा से ज़्यादा प्याज पानी छोड़ेगा तो उसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा बेसन को और राइस फ्लोर को प्याज में भिगो देंगे। पानी कम से कम यूज़ करेंगे। ये देखिए, जितना ज़्यादा हम क्रश करेंगे प्याज उतना ही अपना पानी छोड़ देगा। ये देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से करना है और 2 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि नमक से प्याज पानी छोड़ देगा। ये देखिए, खुशबू भी अच्छी आ रही है और घर के जो इंग्रेडिएंट्स है वही यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। देखिए, 2 मिनट हमने रख दिया था, कैसे अच्छे से प्याज हमारा गीला हो चुका है। अब हम धनिया ऐड करेंगे जो काट के रखा था मैंने। उसके बाद बेसन लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम बेसन डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा राइस फ्लोर डालेंगे। इसके राइस फ्लोर लेने का रीज़न ये है कि इससे बहुत ही बढ़िया हमारा पकौड़ा बनेगा और क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए, हमें ऐसे ही करके लेना है, सारा प्याज और आटे को ऐसे मिला मिला के लेना है। थोड़ा थोड़ा बेसन, थोड़ा राइस फ्लोर। ये देखिए, इस तरह से लेना है। अगर पानी की ज़रूरत पड़ गई तो हम पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें 2 से 3 टेबलस्पून। ये देखिए, बेसन, सारा बेसन मैंने ले लिया है और राइस फ्लोर भी सारा ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से गूंदेंगे ज़रा। ये देखिए, मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एकदम थोड़ा, 2 टेबलस्पून बस हो जाएगा। हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है, नहीं तो हमारे पकोड़े नरम हो जाएंगे और तेल पी लेंगे। ये देखिए, बस हो गया पानी, 2 टेबलस्पून पानी लगा सिर्फ हमें मिलाने के लिए। ये देखिए, ऐसे ही चाहिए हमें इसका थिकनेस। ये देखिए, इस तरह से रखना है। अब हम इसे मीडियम और एकदम धीमी लो पे हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। हमें ऐसा गुनगुना सा सिर्फ लेना है और फ्लेम हमें एकदम लो रखनी है, हाई नहीं करनी है। ऐसे गुनगुने से ऑयल में ही हमें छोड़ना है इसे पकौड़ों को। और जो है शेप, हमें इसे शेप नहीं देना है, जैसे भी है ऐसे हमें उठाने हैं और फ्राई करने डालने हैं ऑयल में। देखिए, इस तरह से
खुला खुला ऐसे ही हमें डालना है। ये देखिए इस तरह। ये देखिए इस तरह से। ऑयल ज़्यादा मैंने गरम नहीं किया है, हमें क्रिस्पी करने हैं और अच्छे पकेंगे भी अगर हमारा ऑयल ज़्यादा गरम ना हो तो। गरम ऑयल में, ज़्यादा गरम ऑयल में और कच्चे भी रहते हैं और नरम हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए कैसे धीमी आंच पे हमारे कैसे पकोड़े सेक रहे हैं। अब मैं इसे पलट दूंगी। ये देखिए पलटी करना है आहिस्ता आहिस्ता। इन्हें हमें हाफ डन करके निकालना है। ये देखिए इस तरह से हमें इन्हें फुल फ्राई नहीं करना है, हमें इन्हें दो स्टेप में सेकाना है पकोड़ों को। पहले पहली स्टेप मैं आपको बता दूंगी। ये जब हमारे हाफ डन हो जाएंगे सारे पकोड़े तो हम निकाल के ठंडे कर देंगे, उसके बाद हाई फ्लेम पे हम इसे फिर से फ्राई करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए हाफ डन हो गए हैं, मैं अब इन्हें प्लेट में निकाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से, ये देखिए तेल को अच्छे से नितरना है। ये हमें पकोड़ों को टिश्यू या फिर कोई कपड़े पे नहीं रखना है, ऐसे ही रखना है क्योंकि हमें अच्छे से इन्हें फिर से फ्राई करना है। इसलिए देखिए कैसे अच्छा टेक्सचर आया है हाफ फ्राई का। अब मैं फिर से दूसरे बनाती हूँ, दूसरे डाल दूँगी। ये देखिए हम दूसरे अब बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सारे ऐसे ही हाफ डन कर लेने हैं, उसके बाद हम बाकी का स्टेप बताती हूँ आपको। ये देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इन्हें फुल फ्राई कर लेते हैं हाई फ्लेम पे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अच्छे से अभी हमारा कलर आ जाएगा इसको और अच्छे क्रिस्पी भी हो जाएंगे। ये देखिए कलर आना शुरू हो गया है। अब पलटी कर देंगे हम इन्हें। ये देखिए कैसे हल्का कलर आना शुरू हो गया है इन्हें। और कैसे फूल के ऊपर आ गए हैं। देखिए जरा और कलर आने के बाद हम इन्हें निकाल देंगे। क्रिस्पी हो गए देखिए इस तरह, लेकिन हमें इसे हिलाना है इन्हें। ये देखिए हमें इन्हें ज्यादा ऐसे जलाना नहीं है, हम इन्हें अब निकालते हैं। देखिए कैसे अच्छा सा कलर आया है, हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं, अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह हमें सारे पकोड़े फ्राई करने हैं। मैंने आधे निकाल दिए, आधे में अब फ्राई करूँगी। ये देखिए मैंने केकड़ा भजी को सर्व कर लिया है, हमारी केकड़ा भजी रेडी है, क्रिस्पी पकोड़ा हमारा रेडी है, हमने सर्व कर लिया है हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ। आप भी ऐसे ही बनाना, ट्राई करना और मुझे कमेंट ज़रूर करना। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।